हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास फर्स्ट है कि नहीं सर, क्योंकि पेपर से पहले पहले यानी एक हफ्ता पहले का हम कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। आज हमारा कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह के आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया कहां से, 1 एक्सरसाइज 1.2 से, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा मौजूद हो, ठीक है, ऐसा नंबर जिसके साथ क्या मौजूद हो, आयोटा कहा जाता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने प्रूफ करना है z1 डॉट z2 का मॉड्यूलस बराबर है z1 का मॉड्यूलस और z2 का मॉड्यूलस, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 1 की तरह, ये आपके पास कहलाता है मॉड्यूलस। आप मॉड्यूलस को कैसे करेंगे इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम कौन सा साइड लेते हैं, आप ले लें लेफ्ट एंड साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम क्या मालूम करेंगे, z1 डॉट z2 का क्या मॉड्यूलस, ठीक है भाई। मॉड्यूलस मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो z1 डॉट z2, अच्छा इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस और आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए बीच में डॉट आ जाए या कुछ नहीं आए इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। और z2 की क्या वैल्यू है भाई, 4 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम, 2 + 8 = 4 आपके पास 12 आएगा और प्लस 16 कौन बताएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 जी, ठीक है। ये आप गौर से सुन लें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, -1। अच्छा अब आप यहां देखें, हम यहां पे इसको कर रहे हैं, यहां देखें तो अगर आप यहां देखें तो हम 2 + 12 आयोटा -16 लिखे तो इतराज है किसी का, जी नहीं ना, प्लस माइनस जी नहीं। तो यहां से हमारे पास क्या आया, -16 से 2 और माइनस करें तो क्या आएगा, 14 - 12 आयोटा, ठीक है भाई, क्या यही हमारे पास आंसर है, हमारे पास आंसर नहीं है। अभी हमने क्या भी निकालना है, z1 z2 का मॉड्यूलस, ये वाला इनका प्रोडक्ट आया। अब ये मॉड्यूलस कैसे मालूम करते हैं, ये ना बोल रहा हूं, देखो मॉड्यूलस से मतलब अगर किसी z के ऊपर मॉड्यूलस हो तो इसका फार्मूला ये है √a² + b² यहां पे a आपके पास रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट रियल पार्ट इसके साथ आइटम मौजूद नहीं होता, और भी हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है यानी जो आइटम के साथ आने को साथ हो। तो यहां पे क्या होगा, a की जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है, -14 का क्या होगा भाई, प्लस b क्या है, 12 / 2 क्या ऐसा नहीं होगा, कोई मसला तो नहीं होगा अभी तक। अब आप यहां देखिए 14 का आप स्क्वायर ले रहे, 14 का स्क्वायर किसके बराबर, 196 और यहां पे 12 का स्क्वायर 144 इन दोनों को जरा आप प्लस करें, 340 क्या है, 340 आयोटा को लिखो आदि भाई, क्या कर रहे हो, 12 कितना आया होगा तो लिखो, नहीं वो नहीं लिखना, नहीं आएगा, नहीं आता, नहीं आएगा, यही तो मैं समझा रहा हूं। अब यहां पे एक जो पार्ट है वो जो आयोटा की साथ वाला जो नंबर है ना v वो है दरअसल, तो आयोटा नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, ओके ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आया जेड वन डॉट जेड टू, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई 340 का रूट। ठीक है, तो ये अब हम क्या निकालने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, इधर निकालेंगे हम इसका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम पहले ही मॉड्यूलस को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम Z1 का मॉड्यूलस क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो Z1 में अगर आप देखें, तो अगर आप यहाँ देखें ना Z1 का जो रियल पार्ट क्या है 1 प्लस 4 है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे अंडर रूट। ठीक है, तो 1 प्लस 16 के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ भाई 18 तो नहीं है। अब इसी तरह हम सेट 2 का मॉड्यूलस निकालेंगे, सेट 2 का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे अंडर रूट। अच्छा, सेट 2 क्या है हमारे पास सेट 2 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ 2 2 का 4 प्लस 16 20। तो ये हमारे पास क्या आया आंसर, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं है। हमने क्या करना है, हमने ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके आने। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों मॉड्यूलस Z1 और Z1 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाई होगा Z2 से, तो होगा क्या ये 17 अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 20 से, यही होगा ना जी। अब अगर मैं इसको कुछ यूं लिखूं शफ़ल 17 मल्टीप्लाई 20 तो इतराज है नहीं। ठीक है, अब 17 मल्टीप्लाई 20 करें 340 340 आ रहा है ना, तो 340 क्या आया इसका बराबर आ गया बाकी बात करता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये मेरे निर्णय की है ना वही हो, फिर चेंज होके आ सकते हैं माइनस आ सकते हैं कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन लेकिन पेपर के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको ये मकसद ये नहीं क्वेश्चन चलाने के, देखो जो इम्पोर्टेंट बेस पे हम कर रहे हैं ना इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं जो मॉड्यूलस वगैरह है वो आपको फाइंड करना आ रहा है, मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करते हैं ये आ रहा है ना। अब क्वेश्चन जिस हालत में भी देते हैं आप आराम से कर सकते हो, मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ यही आएगा, इसका मतलब यही आ भी सकते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी आ सकते हैं, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों बराबर आया, अगर हमारे पास Z1 और Z2 का अलग से मॉड्यूलस लेके और इन दोनों का प्रोडक्ट लेके मॉड्यूलस लेके बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 1.2 से दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा है, Z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा है, राना इधर देखते रहे। ठीक है, तो हमने हमने क्या करना है इसको एक्सप्रेस करना है ए प्लस आइटा बी की सूरत में, हमारे पास आंसर इस कंडर में आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है यानी इस क्वेश्चन का ये पार्ट है, इसी तरह बहुत सारे पार्ट इसके आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले कैसे Z1 की क्या वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, रजब रेस्पॉन्स करें। ठीक है, इनटू Z2 की क्या वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर क्या है 12 डिवाइडेड बाई Z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर भी क्या है हमारे पास 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बार को हटाएंगे, बार को कैसे हटाते हैं, जब भी आप बार को हटाते हैं तो हाँ ये जो साइन है वो क्या हो जाते हैं चेंज। ठीक है भाई, ये साइन क्या होगा चेंज, अब ये बार हट गया यानी दोनों साइड से आपके पास साइन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 3 2 6। ठीक है, अच्छा 3 2 6, अब हम क्या करेंगे इसी को
इसके साथ करेंगे प्लस 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 थ्री थ्री जा नाइन आइटा, यानी इसको इन दोनों के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर आइटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स आयोटा आइटा आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू आयोटा। अब आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा, सिक्स प्लस नाइन से फोर निकाले आप, फाइव आइटा है ना, माइनस सिक्स आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है। यहाँ पे क्या आया, थ्री प्लस टू आयोटा ले रहे। अब यहाँ अगर आप देखिए तो सिक्स प्लस फाइव आयोटा माइनस माइनस प्लस सिक्स और थ्री प्लस टू आयोटा, क्लियर है भाई। अब सिक्स और सिक्स क्या होगा हमारे पास, ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा और थ्री प्लस टू आयोटा, ये आंसर है क्या हमारे पास, नहीं है। क्या करेंगे इसका, हाँ रेशनलाइज करेंगे इसको, ठीक है, जी रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज कैसे करते हैं आप, रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा और थ्री प्लस टू आयोटा, ऐसे इट इज पूरा पूरा लिख लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना उसके कंजुगेट से, डिवाइड बाई माइनस मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जी माइनस टू आयोटा, आई बात समझ में। अब यहाँ अगर आप देखें ना नीचे आपके पास क्या बनेगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, a के तौर पर थ्री मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस टू आयोटा की स्क्वायर, और ऊपर दोबारा से मल्टीप्लाई करें, ट्वेल्व थ्री का थर्टी सिक्स, ठीक है, ट्वेल्व थ्री का थर्टी सिक्स प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व टू का ट्वेंटी फोर आयोटा, ठीक है, फिर फाइव की बारी है, प्लस 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 फाइव थ्री जा फिफ्टीन आयोटा और फाइव टू जा प्लस माइनस माइनस फाइव टू जा टेन आयोटा 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 की स्क्वायर। अब इधर और से देखिए भाई, थर्टी सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर से फिफ्टीन माइनस करें कितना आएगा, नाइन आयोटा माइनस टेन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है, थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू के ऊपर स्क्वायर है राना, टू के ऊपर स्क्वायर है, टू टू जा फोर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस वन, ठीक है, तो थर्टी सिक्स अच्छा माइनस नाइन आयोटा माइनस माइनस प्लस टेन और नाइन माइनस माइनस प्लस फोर। अब इधर देखिए थर्टी सिक्स और क्या होगा, फोर्टी सिक्स माइनस नाइन आयोटा और थर्टीन, ठीक है, अब ये एलसीएम ब्रेक करके लिखे आप इसके नीचे भी, फोर्टी सिक्स आवर थर्टीन माइनस नाइन आवर थर्टीन यहाँ पे आयोटा, तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास ए फॉर्म है और ये बी और ये हमारे पास क्या आया, आयोटा, यानी हमारा स्टैंडर्ड क्या बन गया, ए प्लस आयोटा बी, अभी आयोटा बन गया, ठीक है भाई, चलो ठीक है।